हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से रिलेटेड थ्योरी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9, सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन न्यायालय धारा 9 से संबंधित है। सेशन न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में जान लेते हैं। उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उपधारा तीन में उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। धारा 9 की उपधारा 4 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। मतलब उपधारा 4 कहती है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। उपधारा 5, जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी। मतलब धारा नौ की उपधारा पाँच कहती है कि जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो
तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी। धारा 9 की उपधारा 6। धारा 9 की उपधारा 6 के अंतर्गत सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस पर बैठक कर सकता है। मतलब धारा 9 की उपधारा 6 कहती है कि सेशन न्यायालय सामान्यतः जनरली अपनी बैठक जो है ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा बाई नोटिफिकेशन वे निर्दिष्ट करें, किंतु यदि किसी विशेष मामले में, मतलब कोई विशेष मामला हो, तो किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस पर बैठक कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।